मेरे पोते पर इल्जाम लगा रही है और तू गुलछर्रे उड़ा रही थी पराये मर्द के साथ। अरे तू आठ नहीं तो तेरी भी पिटाई होगी। इसको तो मैं आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये क्या बोलेगी? हाँ मुझे तो उस दिन बहुत कुछ कह रही थी, कितने इल्जाम लगा रही थी, और अब अपना क्या? शादी शुदा होते हुए पराये मर्द के साथ अय्याशी कर रही थी तुम। कहाँ कहाँ छुआ है उसे? बोल कहाँ कहाँ छुआ है? उस आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुझे वो सिद्धार्थ बचा रहा था ना, अब कौन बचाएगा तुझे है? ये क्या कर रही हैं? इस बेचारी बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार, हाथ जोड़ती हूँ आपके, इसे छोड़ दीजिए। ये बुढ़िया अपनी औकात में रह, तू इस घर की नौकरानी है, भूल मत। सुन लो सब लोग, आज से 5 दिन बाद रोशनी और कुणाल की शादी होगी। कल से ही सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे और तब तक रोशनी दी नजर बंद रहेंगे। सही कह रही है सबनम, 5 दिन तक रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी, और इसके बाद तू कभी नहीं भूलेगी कि कुणाल तेरा पति नहीं है। और अगर तेरी याददाश्त कमजोर हो गई और तू वो सिद्धार्थ से मिलने गई ना, तो वो सिद्धार्थ के छोटे छोटे टुकड़े सबसे पहले होंगे, उसके बाद तेरी बारी। बाप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राजी, राजी, ये साड़ियां ना हमें ज्योति ताई, भगवान मेरा मतलब है कि सेट तक पहुंचानी होगी। यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हें चैन नहीं है क्या? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? अरे चौकिए मत, ये सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, आपकी बहू है ना रोशनी, उसकी शादी होने वाली है बहुत जल्द, तो मैंने सोचा सबसे पहला न्योता मैं आप लोगों को ही दे दूं। और जीजू कहाँ है? इस शादी का कार्ड तो मैं उनके हाथों में ही देना चाहती हूँ स्पेशली। जीजू, जीजू, खबरदार जो मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहा तुमने तो, समझी? गेट आउट, गेट आउट, निकलो यहाँ से। अरे बहुत हाथ चलने लग गए ना तुम लोगों के, अपनी ये नौटंकी ना कहीं और के लिए बचा के रखना, मेरे साथ नहीं चलेगी। और हाँ, तुम लोग आओ चाहे ना, चीजों को जरूर भेज दो, अच्छा लगे। कुणाल बेटा ये ले, अपनी होने वाली पत्नी को जाकर चूड़ी पहना दे, शगुन की चूड़ियां हैं। आज शतिला एकादशी है, आज के दिन होने वाली बहुएं सचती संवरती है, जा पहना दे। क्या हुआ बाबा, किसकी आवाज थी? रोशनी, रोशनी आवाज। अरे ओ बेटा, ये क्या हुआ? क्या हुआ जमुना भाई, मेरी बात सुन रहे? नहीं छोड़ूंगी, मेरे भाई से शादी करेगी तो जान से मार दूंगी। भाई मेरी मरी हुई बेटी पूर्वी। हाँ बापू, पूर्वी, जब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलता मैं इस परिवार में खुशियां नहीं आने दूंगी। प्रेमा, तू तो तांत्रिक विद्या की बहुत आंकता है ना, रोक रोक रोक। कुछ करता हूं। फालतू फालतू, आई मना को टाल तू,
ओम रिम क्लिम विच चामुंडाय नमः हु वाह देखो जमुना रानी अरे इतना गुस्सा अच्छा नहीं है जमुना रानी मैं हूं ना बाजाराट बाबू इसे छोड़ो मार दिया मुझको जान से मार दिया अब मेरी बारी किसी को नहीं छोड़ूंगी सबको मार दूंगी बा बा मुझे लगता है हमें नहीं हमारे किए हुए पापों की सजा मिल रही है इसीलिए मेरी मरी हुई बेटी पूर्वी की आत्मा हमारा पीछा करते करते यहां तक आ गई सबसे पहले हमें पूर्वी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करानी होगी उसके बाद ही कुणाल की शादी होगी और ये मेरा फैसला है सही कह रही है बा ओम अग्निदेवताभ्यो नमो नमः स्वाहा इसी के साथ ये पूजा संपन्न हो गई देखिए एक समस्या है पूर्णमासी तक यह विवाह नहीं हो सकता एक बार पूर्णिमा समाप्त हो जाए उसके बाद ही इस विवाह को कीजिए तब तक विघ्न ही विघ्न है